नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज चैटर में। दोस्तों, बीते 20 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवी T20 मैच को जीतकर भारत ने 5 मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर लिया है। अब दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 23 मार्च से शुरू होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है और सभी मैच पुणे में बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम पर ही खेले जाएंगे। तो वही इस वनडे मैच में कुछ रिकॉर्ड बन सकते हैं। शिखर धवन ने अब तक अपने वनडे करियर में 45 की औसत से 5,808 रन बनाए हैं। उन्हें वनडे क्रिकेट में 6,000 रन पूरा करने के लिए 192 रनों की ज़रूरत है और वो ऐसा करने वाले 10वें भारतीय हो जाएंगे। रोहित शर्मा ने अब तक 224 वनडे मैचों में 29 शतक लगाए हैं और वो एक शतक बनाते ही रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर लेंगे, जिन्होंने 375 मैचों में 30 शतक लगाए हैं। वही कुलदीप यादव विकेट के मामलों में जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ सकते हैं, जहां कुलदीप ने 61 मैचों में 105 विकेट ली है, तो वही दूसरी तरफ बुमराह ने 67 मैचों में 108 विकेट ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वनडे सीरीज के लिए टीम में बुमराह को शामिल नहीं किया गया है। वही चाहल ने अब तक 2 बार 5 विकेट हॉल लिए है। एक और 5 विकेट हॉल लेने के साथ ही वो हरभजन सिंह और श्रीनाथ की बराबरी कर लेंगे। जेसन रॉय और एक शतक लगाते ही MS धोनी की बराबरी कर लेंगे। MS धोनी ने अब तक 10 शतक वनडे करियर में अपने लगाए हैं। तो वही 193 रन बनाते ही श्रेयस अय्यर अपने वनडे करियर में 1,000 रन पूरा कर लेंगे और साथ ही एक और अर्धशतक लगाते ही वो अपने 10वां अर्धशतक पूरा कर लेंगे। वही KL राहुल एक शतक लगाते ही सुरेश रैना की बराबरी कर लेंगे। कप्तान विराट कोहली भी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 70 शतक लगा चुके हैं और सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग के बाद वो सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। विराट कोहली एक और शतक लगाते ही रिकी पॉन्टिंग का बराबरी कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके सबसे पहले।